इलाइट कंपनी में आए हम। ये देखो बीजे हमारे इंजाज के बताए, कंस्ट्रक्शन का काम बताया, कोई काम वाम नहीं लगा के महीना ब्याज चल रहा, कर्जे कहाँ से देंगे हम? अगर इतने अमीर होते तो यहाँ सऊदी अरब में आते हैं, यहाँ पर हमने बी बच्चों को माँ बाप को छोड़ के आए, हम यहीं आते। अंगा काम बताया, कद्दू भी काम नहीं है, केवल एक गाड़ी है बस, ये और कुछ भी नहीं है बस। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनु देहाती बाबू ब्लॉग, फिर से नए वीडियो के साथ। गाइस मैं इनु देहाती बाबू सऊदी अरब से फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो गाइस आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में फिर से बताने वाला हूँ। मैंने इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी, तो फिर आज मैंने एक वीडियो बना जिस कंपनी का नाम है अल इंजाज कंपनी या अल इंजाजको कंपनी, ठीक है। इस कंपनी के बारे में मैंने वीडियो लाया कि लोगों को क्या क्या इसका वीज़ा देकर भेजा जा रहा है इंडिया से, और लोग किस तरह से आकर यहाँ फंस जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अगर आप बने रहना चाहते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करें। कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का आपको अपडेट भी मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। चलिए गाइस, मैं एक वीडियो मुझे मिला है, वो क्लिप है, वीडियो क्लिप मैं आपको फुल वॉच करा कर दिखाता हूँ कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ सऊदी अरब में। इंडिया से जो लोग एजेंट या प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस वाले जो भेज दे रहे हैं आपको इस कंपनी में या और भी कंपनी में, तो यहाँ आकर लोगों के साथ क्या क्या मसला हो रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, सैलरी टाइम टू टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, काम पर भेजा जा रहा है नहीं भेजा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, वीडियो क्लिप में आप देख लो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ भाई। सारे तैयार है एग्जिट के लिए भाई, मैं भी सारे साथ हूँ, मैं भी तैयार हूँ एग्जिट के लिए। अरे मैं भी तैयार हूँ एग्जिट के लिए, बस खत्म बात। भैया गाड़ी नहीं है भैया, इन सबसे बोला था क्या नाम है, एक हफ्ते में तुम्हें काम मिलेगा नहीं तो एग्जिट लगेगा, और अभी तक ना काम मिला है और ना एग्जिट लगा है, एग्जिट लगा है बोला ना यार, क्यों ना बोल रहे। और इसमें चूतिया बनाया जा रहा, सिर्फ आदमियों को बुला के इसमें चूतिया बनाया जा रहा, और कुछ भी ना इसमें, इसमें चूतिया बना रहे हैं। एक जने का, वो भी एक जने का लाइसेंस है और बाकी किसी का नहीं है, वो भी दूसरी कंपनी में काम कर रहा था उन्होंने, कुछ खर्चा भी बंद कर दिया, बिल्कुल मामला बेकार है यहाँ तो। हाँ भाई लगाने के लिए तैयार है सब, ब्याज पे इधर उधर पैसा लेके आए, बताओ कहाँ से चक्कर करेंगे कहाँ से। यहाँ कोई कंपनी कंपनी है क्या है ये? कुछ नहीं है यहाँ, केवल कंपनी के रूम है बस भाई, ये फसा रहा है कुछ भी नहीं है भाई, 15-15 2000 महीना क्या चल रहा है। दिल्ली में आए हम, ये देखो वीजे हमारे इंचार्ज के बताए, कंस्ट्रक्शन का काम बताया, कोई काम वाम नहीं है कुछ भी। हाँ इंचार्ज के, इंचार्ज कंपनी का वीजा लगा के भेज जाता मैं, यहाँ भेजो 15-15 2000 रुपए महीना ब्याज चल रहा, कर्जे में हम कहाँ से देंगे, हम सारे के सारे कर्जा करके आए। अगर कर्जा लेके आए, अगर इतने अगर इतने अमीर होते तो यहाँ सऊदी अरब में आते हैं, यहाँ पर हमने बी बच्चों को माँ बाप को छोड़ के आए, हम यहीं आते। अगर मालदार होते तो यहाँ आते। काम बताया, कद्दू भी काम नहीं है, केवल एक गाड़ी है बस, ये और कुछ भी नहीं है बस, यहाँ को कंपनी नहीं है, फ्रॉड कर दिया, जितने भी एजेंट है उन्होंने सब फ्रॉड भेजा है, फ्रॉड भेजा। तो गाइस आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा होगा हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था। तो ये हो रहा है, यही हो रहा है ड्रामा। मैं 1000 मरतबा बोलता हूँ कि अगर आप गल्फ कंट्री जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कतर जा रहे हो, बहरीन जा रहे हो, ओमान जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, पहले वीज़ा चेक करो, ठीक है। वीज़ा आपका उस कंपनी का है या नहीं है, या सप्लायर का है, सप्लायर में लोग को फंसा दिया जाता है भेज कर। मैं 1000 मरतबा बोल चुका हूँ कि गल्फ कंट्री आने से पहले आप ज़रूर वीज़ा चेक करें कि उस कंपनी का है या नहीं है। लोग बोलते हैं इंजाज का है, लोग बोलते हैं अल्फनार का है, लोग बोलते हैं कि
बिन लादेन कंपनी का है, डायरेक्ट जा रहे हो। जब वीज़ा आता है तो स्पॉन्सर वीज़ा रहता है, ऐसा ही होता है हाल मेरे परदेसी भाइयों, मेरे जो भी जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, कहीं भी कंट्री से देख रहे हो, तो आप ज़रूर होशियार हो जाओ, क्योंकि लोगों के साथ ज़्यादा बलफ किया जा रहा है, समझ गए। बड़े बड़े साले दलाल बैठ कर ये मजे ले रहे हैं। अरे साले खुदा का खौफ कर, क्यों ऐसे लोगों को फंसा रहा है? सुन रहा है ना कि अगर इंडिया में पैसा रहता तो हम सऊदी अरब क्यों आते हैं, गल्फ कंट्री क्यों आते हैं, पैसा कमाने क्यों आते हैं? शर्म कर, शर्म कर, अल्लाह इम्तिहान लेगा, तुम लोगों को बर्बाद कर देगा, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। क्यों ऐसा लोगों के साथ मजे ले रहे हो यार, फंसा रहे हो? और तुम भी यार जो मेरा व्यूज देख रहे हो, जो भी होशियार हो जाओ यार, तुम लोग भी चूतिया आदमी हो, महा चूतिया हो, एजेंट के चक्कर में फंस। तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मुंबई जा, मुंबई जा, मुंबई जा, चेन्नई जा, चेन्नई जा, दो स्टेट है इंडिया में बड़े बड़े, वहां बलफ नहीं होता। डायरेक्ट कंसल्टेंसी ऑफिस में जाओ, इंटरव्यू दो, वीजा लगाओ और गल्फ कंट्री निकलो। तुम दिल्ली के चक्कर में पड़ते हो, लखनऊ के चक्कर में पड़ते हो, पटना के चक्कर में पड़ते हो, कोलकाता के चक्कर में पड़ते हो। ज्यादा से ज्यादा फ्रॉडिंग कहाँ होता है इंडिया में? न्यू दिल्ली, लखनऊ, यहीं के लोग ज्यादा फंसते हैं, यहीं के लोग, क्योंकि इन लोगों को उतना दिमाग नहीं रहता है। बस एजेंट के थ्रू आंख बंद करके गए और एक लाख, डेढ़ लाख, डेढ़ लाख रुपया दिए चले गए। जब आने के बाद कहते हैं अरे भैया हम तो फंस गए, फंस गए यहाँ के सऊदी अरब कंपनी, सप्लायर कंपनी अब इंडिया भी भेज रही, इंडिया भेजने के लिए भी पैसा मांग रही है। बड़ा अफसोस आता है मेरे गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया। किसी यूट्यूबर ने मुझे बताया, ठीक है भाई, इस कंपनी के बारे में आपने वीडियो में देखा था, बनाया था, लेकिन इस कंपनी का नाम लेकर दूसरे कंपनी भेजा जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है। तो मैंने ये आज वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मैं 100 नहीं 1000 मरतबा बोलता हूँ, सऊदी अरब आने से पहले कंपनी का 10 बार देख लो, नेट पे देख लो। आजकल नेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, नेट का है, यूट्यूब का है, और भी तुम लोग का रिलेशन हो गए वहाँ, पता कर लो कि इस कंपनी का वीज़ा मिल रहा है, कंपनी ठीक ठाक है या नहीं है, नहीं तो ऐसे ही हाल होगा तुम्हारा, ठीक है। अल इंजाजगो कंपनी, अल इंजाज कंपनी, अल इंजाजगो कंपनी का नाम लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है। देख लिया ना गाड़ी पे क्या नाम लिखा है कंपनी का, यही होता है मेरे गाइस, यही हाल होता है। इसलिए बोलता हूँ कि सोच समझ कर, गल्फ कंट्री है और ज़्यादा पैसा देकर नहीं है, कम पैसे में विदेश आए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करें। मेरा इन्नू देहाती बाबू पेज भी है फेसबुक, उसे भी फॉलो करें। मेरा इन्नू देहाती बाबू आपको इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसे भी फॉलो करें। कुछ सवाल है तो हमें मैसेज करें और वीडियो में बने रहें हमेशा भी, और वीडियो को लाइक करें। तो 100 मरतबा बोल रहा हूँ मैं, 1000 मरतबा बोलूँगा, 1,00,000 मरतबा बोलूँगा कि स्पॉन्सर वीज़ा में कभी मत आना, फंस जाओगे, यही हाल होगा तुम लोगों का भी। आओगे 1,00,000-1.5 लाख लगा के इस तरह से फंस जाओगे, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि लोग फंसे, मैं इसलिए यूट्यूब चैनल बनाकर लोगों को मैं बचाता हूँ कि दलाल और फ्रॉड ऑफिस वाले के चक्कर में ना आए। याद रखो दलाल, बहुत मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो ये काम कर रहा है। तुम लोग के खिलाफ मैंने 2-3 वीडियो में बनाया हूँ, जो जो कंसल्टेंसी ऑफिस है कोलकाता की, और भी फ्रॉड ऑफिस जो है, आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा उन लोगों को, ठीक है गाइस। मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूं, फिर इंशाल्लाह नए वीडियो में मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।